वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सीधे छत पर से ही। अधिकतर या तो कमरे में से होती थी या तो फिर किचन में से, तो आज छत पर से ही हो रही है। कपड़े धुल करके ऊपर ही लाए छत पर सुखाने, तो यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दी हूँ। तो जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और पूरा वीडियो देखिएगा। इस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है तो बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। तो अभी ना मैं कपड़े ही फैला रही हूँ क्योंकि मौसम अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। कब बारिश आ जाए, शाम होते होते डेली ही मौसम बिगड़ जा रहा है, तो इसीलिए कपड़े फैला दे रही हूँ ताकि सूख जाए। और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आधे से कम कपड़े जो मतलब मेरे कपड़े हैं सूट वगैरह जो अधिकतर अभी मैं सिल रही हूँ वो सारा हाथ से धुल दी हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिन के रखे हुए थे कपड़े सिले हुए, तो थोड़ा सा ना दाग लग जाता है या गंदा हो ही जाता है, तो ऐसे मन नहीं भर रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि सबको धुल देती हूँ। और मेरी दो साड़ी थी तो इन सब कपड़े ना मैं मशीन में अपना साड़ी जो हल्की हल्की होती है वो मैं नहीं धोती हूँ, थोड़ा सा जीप जैसा ही हो जाता है इस वजह से। और बाकी के कपड़े मशीन के भी धुले हुए हैं, तो मैं और बच्चे सब लोग मिल करके ही कपड़े फैला रहे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। सारा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ, तभी ना थोड़ा अच्छा भी लगता है बैठ करके तसल्ली से चाय और नाश्ता एंजॉय करने में। नहीं तो फिर हम खाने बैठ जाएं, चाय पीने बैठ जाएं और फिर काम पड़ा रहता है तो ध्यान लगा रहता है काम पे ही कि वो काम अभी पड़ा है। तो अपने लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ बेसन का चीला, उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा ही टमाटर और हरा मिर्च कट करके डाली हूँ, और बस हल्दी का पाउडर, नमक और कुछ भी नहीं। और एक तरफ चाय बन रहा है और बच्चे खाना खा लिए हैं। सुबह बनाई थी, एक दिन पहले मैं भिंडी लाई थी, आप लोग देखे थे सब्जी सेट कर रही थी, तो अगर पूरा वीडियो देखे होंगे पिछला तब, तो वही भिंडी की सब्जी, आधी किलो ही भिंडी था तो उतना में होता नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा आलू बैंगन की भी सब्जी बनाई थी और भिंडी की भी सब्जी बनाई, तो बच्चे खा लिए हैं भिंडी की सब्जी और रोटी, और बस मैं रह गई हूँ। तो मैं अपना बस चाय और नाश्ता बना ले रही हूँ, और वीडियो में बने रहिएगा गाइस, बिना स्किप किए देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तैयार करने में, एडिट करने में, तो स्किप करने से पूरा डाउन हो जाता है। ऐसे भी दो वीडियो अभी 2 दिन से ना पता नहीं क्यों वीडियो नहीं चल रहा है, ये तो अक्सर ही होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो इंजॉय कीजिए। नाश्ता बना ही रही हूँ और बस आगे का काम जो है दिमाग में चल भी रहा है, तो पहले नाश्ता कर लूँगी उसके बाद बैठूँगी सिलाई मशीन पे। आज भी मुझे सारा दिन सिलाई मशीन पे ही काम करना है क्योंकि ब्लाउज बनाना एक और रह गया है, और भी थोड़ा बहुत काम है वो करना है, और साड़ी में भी फॉल लगाने हैं तो वो सारा काम करूँगी। तो पता है टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है सिलाई भी करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो आज मैं सिलाई सेंटर नहीं जाऊँगी। अभी सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के टाइम पे, अभी हो रहा है शाम के 6:15 हो गए हैं, और मैं यहाँ पे जो ब्लाउज बनाई थी उसी को बैठ करके तुरपाई कर रही हूँ, और उसमें हुक लगाऊंगी, आई बनाऊंगी, यही सब जो काम हाथ वाला जो काम है वो कर रही हूँ। पता है जितना देर मशीन पे टाइम लगता है ब्लाउज बनाने में या सूट बनाने में, यहाँ पे तो सूट भी बनाती हूँ, सूट पे भी तुरपाई होता है, तुरपाई करवाते हैं लोग, तो उस सब में भी हाथ में मतलब ही काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इधर साइड में देख रहे हैं बच्चे मेरे आज मेहनत करने में लगे हुए हैं, जितने मैं कपड़े सुबह धोई थी ना वो सारा दिव्यांशु और राधिका मिल करके और फोल्ड कर तह लगा करके ये लोग रख रहे हैं। और मैं मना कर दी हूँ कि मेरा जो कपड़ा है, जैसे कि बड़े बड़े साड़ी तो बड़ी होती है, बच्चों से थोड़े ना फोल्ड होगा, तो इसीलिए राधिका उधर साड़ी साइड में करके रख दी है मेरे दोनों, और बाकी के कपड़े ये दोनों फोल्ड करके और रख रहे हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि सिलाई करना, घर का काम करना, फिर बीच में मैं वीडियो भी एडिट करके डालती हूँ, शाम के टाइम वीडियो भी एडिट कर दी थी मैं, अपलोड पे चढ़ा दी थी, तो उन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा भी अगर बच्चे हेल्प कर देते हैं ना तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है गाइस। और अभी देखिए काम करते करते ही सूरज आ गया था और ये बर्गर लाया था, तो वही सब लोग यहाँ पर बर्गर इंजॉय कर रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी साथ में बर्गर खाने। और बाहर मौसम फिर से बिगड़ चुका है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी ना टाइम हो चुका है 6:38 और फिर से यहाँ बारिश शुरू हो गई है, एकदम मौसम खतरनाक वाली हो गई है। और दिव्यांशु देखिए उधर उछल कूद कर रहे हैं लोग, अभी मैं दिखाती हूँ बाहर का नजारा।
मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश हो रहा है। अभी सूरज आया है बर्गर लेकर के, तो मैं भी बर्गर खा रही थी, बच्चे भी खा रहे थे अंदर, तो वही बता रहा है कि बारिश। अब अचानक एकदम से आवाज आया गरजने का, मैंने कहा बादल गरज रहा है का, तब सूरज बोला कि बाहर देख ही नहीं है, मैंने अंदर काम ही कर रही हूँ, बाहर झांकी ही नहीं हूँ। एकदम खतरनाक वाला मौसम हो गया है। ये देखिए, वैसे तो थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है उजाला, मगर एकदम ना अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मगर वीडियो में थोड़ा सा उजाला उजाला दिखाई दे रहा है। बारिश हो भी रही है, हवा भी चल रहा है और बादल भी गरज रहा है। इसमें साफ, हाँ दिव्यांशु बोल रहा है कि फोन में इतना साफ मौसम आ रहा है। देखिए बादल का, ठंडा ठंडा अंदर कमरे तक ना एकदम हवा ठंडा ठंडा आ रहा है और ठंड भी लग रहा है एकदम। मौसम मतलब डेली की डेली बारिश हो रहा है। कल संडे था, मतलब संडे आएगा, तो मैं सोची कि संडे के दिन चले जाएंगे वहाँ, शर्मा जी तो ये तो जाएंगे, तो मैं सोची कि मैं भी चली जाऊंगी वहाँ प्लॉट पे जहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि जब छत ढलाया था ना उसके बाद मैं नहीं गई हूँ देखने कैसे है क्या है। ये तो शायद एक दो बार बीच में गए भी हैं मगर मैं नहीं गई हूँ, मगर इस तरीके का मौसम देख करके मैं सोच रही हूँ ना ही जाऊंगी, क्योंकि ऐसे भी मेरा तबीयत खराब चल रहा है, अगर भीग गई बारिश में तो और भी खराब हो जाएगा इसी वजह से। और अभी अब जा रही हूँ दिया जलाने, टाइम हो गया है दिया जलाने का, और बस वही है दिया जलाऊंगी, खाना बनाऊंगी। अब शाम के टाइम पे लाइट भी कट चुका है यहाँ पे, और अब आज शनिवार है तो खिचड़ी और चोखा बना दूंगी, या देखूंगी तो सब्जी चावल भी बन जाएगा, अभी कोई गारंटी नहीं। वैसे तो गारंटी है कि खिचड़ी चोखा ही बनेगा। और अभी ये वाला साड़ी में फॉल लग चुका है एक, और बस अब साड़ी में फॉल नहीं लगाना है, एक ब्लाउज में बस आई हुक और जो तुरपाई वाला काम है वो करना है, रह गया है। तो अभी खाना बनाते बनाते ये भी करके कंप्लीट करके रख दूंगी। और ये देखिए मेरा साड़ी उधर रखा हुआ है फोल्ड करने के लिए, बाकी के जितने भी मैं कपड़े धोई थी ना सुबह, हाँ जा सुबह धोई थी, तो वो दिव्यांशु और राधिका मिल करके फोल्ड करके रख दिए, तो इतना छोटा सा भी काम मतलब बहुत बड़ा काम कर दिए मेरे लिए, उतना टाइम बच गया, वो टाइम है सिलाई वाला काम में कर लूंगी। बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस यूट्यूब का भी काम करना, वीडियो भी एडिट की बीच में, फिर घर का काम हो जाता है, बर्तन बासन चूल्हा चिक मतलब सारा काम हो जाता है, और फिर सिलाई का काम, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट कर देता है, एक दो काम भी कर देता है, तो काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। तो वही है, मैं खाना बनाते बनाते अभी सिलाई का भी काम कर लूंगी और खिचड़ी चोखा ही बना दूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी बर्गर खा ली है ये लोग, तो खिचड़ी चोखा सही रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ आज का ना ये वीडियो जो है छोटा सा भी जो भी हुआ है मैं एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी गाइस आप लोगों से बहुत जल्द का डेली मिलूंगी कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि मेरा थोड़ा सा हेल्प हो जाए, और जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से।